हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो 12th स्टैंडर्ड का है, पार्ट वन। और पार्ट वन का हमारा लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर फोर है हमारा टाइम सीरीज यानी कि सामयिक श्रेणी। सामयिक श्रेणी, अब इस चैप्टर में हमको क्या करना है वो बताते हैं। तो सामयिक श्रेणी होता क्या है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये सब क्या है, टाइम के बारे में, यानी कि कुछ हमारे साल या महीने या सप्ताह या दिन हमारे पास में दिए होंगे तो उस प्रकार की सूचना है, उसको समय के अनुसार जमानी पड़ती है। पहले समय के अनुसार एकत्रित की हुई होती है, कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी अकॉर्डिंग टू द टाइम, एंड दैट इज अरेंज्ड बाई द टाइम सिक्वेंसेज, देन दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज। मीन्स कोई भी सूचना हो वो समयांतर पर एकत्र की गई हो अलग अलग समय के अंदर, और उसको उसके बाद में सूचना को एक साथ समय अनुसार अगर उसको व्यवस्थित जमा दिया जाए और फिर उस पर से कोई निष्कर्ष निकाला जाए, कोई गणना की जाए, तो इस प्रकार की उसको हम क्या बोलते हैं, सामयिक श्रेणी। और श्रेणी शब्द यहाँ जुड़ा है, मतलब वो हमारे को एक बीच का हम डिस्टेंस हमको यहाँ बता के कि क्या है क्या नहीं है। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं कि सामयिक श्रेणी होता क्या है। तो परिभाषा मतलब हमारे यहाँ रहेगा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हमको क्या बता रही है इसकी, टाइम सीरीज है क्या। तो टाइम सीरीज में हम देख सकते हैं कि समयांतर पर एकत्र की गई, कुछ समयांतर पर एकत्र की गई कुछ समयांतर भी गई तथा समयानुसार तथा समयानुसार व्यवस्थित की गई समयानुसार व्यवस्थित की गई सांख्यिकी सूचना, वो स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। खाली इन्फॉर्मेशन तो कोई भी रख सकता है, लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, आंकड़ों के स्वरूप में। आंकड़ों के स्वरूप में उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन यानी कि सांख्यिकीय सूचना, व्यवस्थित की गई सांख्यिकीय सूचना के समूह को या सांख्यिक सूचना को ही हम क्या बोल सकते हैं, समूह हो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि हमारे पास अलग अलग सांख्यिकीय सूचना होगी, को सामयिक श्रेणी कहते हैं। तो सामयिक श्रेणी हमको पता चल गई है कि सामयिक श्रेणी किसे कहते हैं, क्या है। तो सामयिक श्रेणी है कुछ नहीं, हमको ध्यान रखना है कि कुछ समयांतर पर, जैसे कि हर वीक हमने कुछ कलेक्शन किया, जैसे कि अभी हम मान लेते हैं कि हमारे पास में कोरोना वायरस का चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, डे बाय डे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि आज कितना हुआ, आज मौत का आंकड़ा कितना पहुँचा, आज कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस कितने हुए और उनमें से ठीक कितने हुए। तो वो सारी सूचना को हम डे बाय डे लेके डे वन, डे टू, डे थ्री, और उस पर से हम कोई ग्राफ तैयार करें या ग्राफ के बेस पर हम फ्यूचर एस्टिमेट्स करें कि अब आने वाले दिनों में कितनी जरूरत पड़ सकती है, कितनी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हम एक स्टैटिकल डेटा के रूप में प्रेजेंट करें, सांख्यिकी जानकारी के रूप में हम उसको प्रस्तुत करें, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, टाइम सीरीज का स्वरूप बोल सकते हैं। फिर उसके अंदर हम स्टैटिकल मॉडल्स यूज़ करने पड़ते हैं जो कि टाइम सीरीज से रिलेटेड हों। तब जो सामयिक श्रेणी की हमने व्याख्या पढ़ लिया, व्याख्या के बाद में हमारे पास सबसे पहले पढ़ना जरूरी है उसके घटक कौन कौन से हैं। तो सामयिक श्रेणी के घटक कितने होते हैं, तो यहाँ हम पढ़ेंगे सामयिक श्रेणी को टाइम सीरीज बोलते हैं, ये हमारा हो गया है सामयिक श्रेणी के। अब घटक की बात होती है तो कंपोनेंट्स, घटक की हम बात करें तो कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज के घटक है कौन कौन से, तो हम देखेंगे कि टाइम सीरीज के घटकों में किस किस का नाम आता है। तो यू कैन सी हियर चार प्रकार के हमको यहाँ मुख्य घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अब चार प्रकार के हम वो भी देख लेते हैं। तो चार प्रकार के घटकों की हम बात करें तो उनमें सबसे पहला आता है हमारा दीर्घकालीन घटक, कौन सा आता है, दीर्घकालीन घटक। तो दीर्घकालीन घटक यानी क्या होता है, लॉन्ग टर्म, क्या होता है दीर्घकालीन में, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, या तो लॉन्ग टर्म अपने जो भी होता है कंपैरिजन बोल सकते हैं, कंपोनेंट बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना ये सब घटक, ये सब झुकाव होंगे, क्या होंगे,
तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड हम इसको बोल सकते हैं, जो बहुत ही लंबे समय के बाद में दिखाई देने को मिलते हैं। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड हम इसको बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म कंपोनेंट हम इसको बोल सकते हैं, दीर्घकालीन घटक जिसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में पहला आता है दीर्घकालीन घटक, तो लॉन्ग टर्म। अब इसमें दीर्घकालीन में होता क्या है, तो दीर्घकालीन घटक में यही होता है कि जो भी कारण है, जो भी असर है हमारे, ये बहुत लंबे समय के बाद में हमको दिखाई देते हैं। जैसे कि 10 से 15 साल लग जाए कोई चीज़ को जानने के लिए, कोई चीज़ को जानने के लिए 50-60 वर्ष भी लग जाते हैं। जैसे कि ऐसी महामारी की हम बात करें, अभी कोरोना वायरस जैसी महामारी, तो हर लगभग ये 50-100 सालों में एक बार ऐसी बीमारी आती है जब ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी न कभी ऐसा होता ही है। तो दीर्घकालीन घटक हमारे पास में यहाँ पर है, दीर्घकालीन घटक में जो भी हमने देख रहा है कि जो भी अंतर दिखाई देगा वो तुरंत नहीं दिखाई देगा, लॉन्ग टाइम लेगा, 10 से 15 साल और उससे भी ज़्यादा समय है अगर हम ले, बहुत ही स्लो हो घटक, तो हाँ 60-70-80 वर्षों का समय भी लग सकता है। जैसे कि हम भारत देश आज़ाद हुआ से लेकर अभी तक के 60-70 वर्ष हो चुके हैं, तो 60-70 वर्षों में कितना परिवर्तन आया। तो प्री और पोस्ट हम इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता के पहले का समय और स्वतंत्रता के बाद के समय में क्या परिवर्तन आए वो हम देख सकते हैं। उसके बाद में अंग्रेजों के शासनकाल में और हमारे भारतीयों के शासनकाल में क्या परिवर्तन आया, तो वो भी हमारा एक लॉन्ग टर्म का हो चुका। तो इस तरह के जब उनके ऊपर जो भी सूचना एकत्र की जाती है उसको हम दीर्घकालीन घटक के रूप में, दीर्घकालीन ट्रेंड के रूप में जान सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है मौसमी घटक, नाम इसका खुद बता रहे, मौसमी यानी मौसम के अनुसार होने वाले घटक, तो उसको हम बोलते हैं सीजनल, सीजनल ट्रेंड या तो सीजनल कंपोनेंट जिसको हम बोल सकते हैं। तो मौसमी घटक हमारे पास में होंगे, मौसम के अनुसार इसके अंदर चेंजेस होता है। हमारे यहाँ पर नॉर्मली देखें तो 4 मौसम बदलती है, 3 तो हमारे मेन जो है ये सर्दी गर्मी बरसात, उसके हिसाब से। जैसे कि हम देखते हैं कि सर्दी, तो सर्दियों के अंदर ऊनी कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है, हमारे पास तिब्बतीन मार्केट लग जाता है सर्दियों शुरू होने के साथ साथ में ही। उसके बाद में जो ऊनी कपड़ों की डिमांड बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है, हीटर वगैरह की डिमांड बढ़ जाती है। गर्मियों में क्या होता है, एक तो आइसक्रीम की सेलिंग बढ़ जाती है, लोग आइसक्रीम खाने के लिए बहुत ज़्यादा जाने लग जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ जाती है, ये किसकी वजह से होता है, मौसमी घटक यानी कि गर्मी की वजह से होता है। उसके बाद में भी हम अगर देखा जाए तो गर्मियों के अंदर क्या था, कॉटन के जो कपड़े होते हैं वाइट कलर के, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मौसमी घटक हमारा वो बताएगा। मौसमी घटक में फिर आता हमारा बरसात है, तो बरसात के अंदर क्या होता है, रेनकोट है, छतरी है, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, हमारा मौसम जैसे जैसे बदलता है उसकी वजह से हमारे हर एक प्रकार की चीज़ों में परिवर्तन आता है। कि इस साल की बात करें 2018 में मौसम में सर्दी में इतने इतने अम्ब्रेला ऊनी कपड़े बिके थे इतने रुपए के, 2019 में इतने, 2020 में इतने, अब 2021 का हमको ट्रेंड ज्ञात करना है। तो पिछले 5 सालों का डेटा कलेक्ट करके हम 2020 का आंकलन करें, अंदाज निकालें, एस्टिमेट वैल्यू फाइंड आउट करें, तो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अंदाजित होती है। लेकिन वो उसी प्रकार हम देखते हैं हमारे यहाँ पर फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स भी किस में आते हैं, हमारे मौसमी घटक में आते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया क्या त्यौहारों का देश है। तो यहाँ पर दिवाली पर देखो, दिवाली पर नए कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, यहाँ मिठाइयाँ होती हैं, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिवाली के बाद में होली की बात करें तो होली के रंगों की डिमांड है वो बढ़ जाती है, पिचकारी है, ये सब हो जाता है। उसके बाद में होली के बाद हम बात करें रक्षाबंधन पर, तो नए कपड़ों की डिमांड बढ़ती है, नए कपड़ों के साथ साथ में राखियों की डिमांड है वही बढ़ती है। पतंगों के टाइम पर पतंग और फिरकी दोनों दोनों होता है। तो ये हमारे अलग अलग फेस्टिवल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है क्या नहीं, तो मौसमी घटक हमारे उस पर डिपेंड करते हैं। तो मौसमी घटक में हम और भी नाम लेना चाहें तो डेस्क करके हम यहाँ लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे क्या है, क्या बोलते हैं हम उसको, सीजन हमारी ऋतु है। दूसरा हमारे और भी है फेस्टिवल्स, कोई भी फेस्टिवल्स होगा वो इसी के अंदर आएगा, त्यौहार। और उसके बाद में हम बात करें इसके अंदर ही, तो हमारे पास कुछ प्राकृतिक तत्व भी हो सकते हैं जो सीजन के सेवाएं भी हो सकते हैं, उन सबको हम अलग में गिनेंगे। सीजन्स में ऐसे सब आ गया, सीजन्स खुद ही प्राकृतिक तत्व है, ये भी प्राकृतिक तत्व है। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो इनके द्वारा होते हैं और कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो हमारे बनाए होते हैं।
तो वो भी डिपेंड हो सकते हैं। अब थर्ड नंबर हमारे पास में आता है चक्रीय, चक्रीय घटक। चक्रीय घटक में क्या होता है? साइक्लिकल, साइक्लिकल ट्रेंड या साइक्लिकल कंपोनेंट। तो चक्रीय घटक के अंदर क्या होता है कि ये चक्र की जैसे चलते रहते हैं कि इतने सालों बाद ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। तो इसमें मोस्टली हमारा टेक्नोलॉजिकल आता है। क्या आता है? टेक्नोलॉजिकल, कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी में हम देखते थे पहले एक टाइम था जब हमारे पास P3 कंप्यूटर चलते थे सबसे स्लो, उससे ही पहले और जो कंप्यूटर थे थोड़े स्लो थे। फिर P4 आया, P4 के बाद में अभी हम देखते हैं तो i3, i5, i7 ये अमुक निश्चित समय के बाद ही मार्केट में आता है। फ़ोन्स की हम बात करें तो हर 3 महीने 4 महीने पर एक फ़ोन आते। तो ये अभी का टाइम टेक्नोलॉजी का, इसकी वजह से चक्रीय घटक का टाइम थोड़ा कम हो गया है। नहीं तो चक्रीय घटक का टाइम पीरियड की हम बात करें, इसका होता है 3 से 4 महीने। हम देखते हैं कि हमारे 3 से 4 महीने में कोई ना कोई मौसम बदल जाती है, या फिर हमारे फेस्टिवल्स, कोई ना कोई नया फेस्टिवल 3 से 4 महीने में हमारे आ जाता है। हम देखते हैं नवरात्रि, नवरात्रि के 3 से 4 महीने से पहले हमारी दिवाली आ जाती है, दिवाली से 3 से 4 महीने उत्तरायण आ जाती है, उत्तरायण आने के बाद में हमारी होली आ जाती है, होली के बाद में रक्षाबंधन आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे 3 से 4 महीने के अंदर में त्यौहार तो आ जाते हैं, ऐसे ही हमारे फेस्टिवल्स भी चेंज होती रहती है। अब चक्रीय घटक में क्या होता है, 10 से 15 साल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका ट्रेंड कितना होता है, 10 से 15 साल इसका ट्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा। उससे पहले ही हम लोग कुछ ना कुछ चेंजेस इसके अंदर पहले से देखने वाले हैं। इसको हम धंधाकीय चक्र भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, धंधाकीय चक्र यानी बिजनेस साइकिल, धंधाकीय चक्र इसको हम बोलते हैं। तो बिजनेस साइकिल, अब बिजनेस में क्या होता है, हम लोग अभी मार्केट में देखते रहते हैं, थोड़े दिन पहले यस बैंक हमारी उठी है तो उसमें क्या हुआ, पूरी मार्केट में मंदी आ गई। अब पूरे मार्केट में मंदी आ गई तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड है वो है तेजी और मंदी। चक्रीय घटक में क्या होता है, 10 से 15 साल में, 5 साल में, ऐसा इससे पहले, आज कितना है 2020 चल रहा है, इससे पहले हुआ था हमारा 2008 में मंदी आई थी जो सेम इसके जैसी। तो ये तेजी और मंदी, बूम और रिसेशन, बूम और रिसेशन जो हमारा है ये हमारा किसकी वजह से हो सकता है, चक्रीय घटक की वजह से होता है। कि मार्केट में जो तेजी मंदी आती रहती है वो हमारे चक्रीय घटक का ही परिणाम है जो हर 10 से 15 साल के अंदर होता ही है। इसको हम फोर्थ की बात करें तो अनियमित घटक, अनियमित यानी कि रैंडम। तो अनियमित घटक के अंदर कौन कौन सा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं रैंडम ट्रेंड या रैंडम कंपोनेंट। इसका कोई समय निश्चित नहीं है, ये सब प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक घटनाओं के लिए कोई समय निश्चित होता नहीं है। जब कभी भी कोई भी प्रलय आ सकती है, तो यहाँ पर नेचुरल इवेंट्स होती हैं उनके लिए समय नहीं हो सकता। और कोई अचानक से घटनाएं घटनी जैसे कि आग लगना, बाढ़ लाना, भूकंप होना, भूकंप आना, इन सब के लिए कोई सीजन नहीं होती है, कोई समय फिक्स नहीं होता है, कोई चक्र नहीं होता है कि प्राकृतिक घटना इसी समय पर ही घटेंगी। इनको हम क्या बोलते हैं, अनियमित घटक बोलते हैं, या तो यादृच्छिक घटक भी हम इनको बोलते हैं। रैंडम, रैंडम यानी क्या होता है, हमारा यादृच्छिक होता है। तो इनके लिए हमारे पास में कोई समय निश्चित होता नहीं है, अनियमित, इनके नाम से ही हमको पता चल रहा है अनियमित। कभी भी कुछ भी हो जाए उसको हम क्या बोल सकते हैं, रैंडम ट्रेंड बोल सकते हैं। अचानक से हमने कुछ सोचा और अचानक से बीच में ही कोई हो गया, तो ऐसा लॉकडाउन का हमने किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी हमको ये सब चीज़ का फेस करना पड़ रहा है। और ये सब चीज़ होती है प्राकृतिक घटनाएं, सब इनके सामने किसी की भी चलने वाली होती नहीं है। तो प्राकृतिक घटनाएं क्या होती है, अनियमित होती है, इनके लिए कोई समय होता नहीं है। इसके अंदर कभी कभी राजनीतिक घटनाएं भी होती हैं, राजनीतिक अस्थिरता जिसको हम बोल सकते हैं। हम अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल की बात करें, लेटेस्ट एग्जाम्पल की हम बात करें तो एमपी की गवर्नमेंट ने जो भी चेंजेस आए हैं 18 महीने के अंदर सरकार चेंज हो गई। बाकी हमारी हम देखते हैं कि कोई भी एक मुख्यमंत्री बनता है तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री चेंज होता है, कमलनाथ यहाँ से अभी चेंज होकर शिवराज सिंह चौहान को वहाँ का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। तो इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता, इसका फ़ायदा, इसका नुकसान, सब कुछ एक बिजनेस साइकिल और बहुत सारी चीज़ों पर इसका असर पड़ता है। तो ये हमारे राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम हो सकती है,
जो भी फाइनल नहीं है कि ये अभी होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में भी कुछ कहा जा सकता नहीं है, इसलिए भी ये क्या है, एक अनियमित घटक के अंदर गिना जाता है। उसके बाद में हम और भी एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर में हमारे पास कभी कभी युद्ध होता है, हड़ताल होती है, हड़ताल भी कभी कभी कुछ कभी भी हो जाती है, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। हड़ताल को हम बोलते हैं स्ट्राइक्स, तो स्ट्राइक्स हैं, हम कभी भी हो सकती है, हम उनके लिए जवाबदार नहीं है, क्योंकि हड़ताल पे लिए जब जिसकी डिमांड पूरी ना हो तब उस पर बैठ सकता है, कुछ अचानक से हो जाए, कुछ ऐसा केस बन जाए तो लोग बाग अपनी सब कुछ छोड़कर बैठ जाते हैं धरने पर, तो वो हमारे लिए क्या है। उसके बाद में कभी कभी रायट्स होते हैं, हुल्लड़, युद्ध छिड़ जाता है, तो ऐसे समय हमको बोलकर नहीं आते, ये सब कुछ अचानक होता है, जो इनके ऊपर कोई जवाबदार होता नहीं है, इन सब के लिए कोई जवाबदार होता नहीं है, तो इनके लिए हम क्या बोल सकते हैं, अनियमित घटक। इनका समय निश्चित नहीं है, समय जिनका निश्चित होता है वो हमारे लिए मौसमी घटक और चक्रीय घटक और दीर्घकालीन घटक के लिए भी फिक्स नहीं बोल सकते कि कितना है, लेकिन 10 से लेकर 70 80 वर्ष तक का समय दीर्घकालीन में गिना जाता है, 10 से 15 चक्रीय में गिना जाता है, 3 से 4 मास ये हमारा मौसमी घटक है और इनके लिए कोई समय निश्चित नहीं है। अब बात हो इन घटकों को किस किस नामों से इनको पुकारा जाता है, इंग्लिश में हम इनके सबके नाम लिखे हैं, हमको एक मॉडल के रूप में लिखे, सामिक श्रेणी का मॉडल क्या है, तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, सामिक श्रेणी का मॉडल हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। तो सामयिक श्रेणी का मॉडल जो हमको यहाँ प्रस्तुत किया है उस मॉडल के अंदर है क्या, तो वाई कैप टी हमारे पास यहाँ दिया होता है इसका, वाई टी टी यहाँ पर इंडिकेट करता है टाइम सीरीज को, क्योंकि वाई इस चैप्टर में भी और इससे पहले वाले चैप्टर में भी है, तो दोनों एक जैसे ना हो जाए इसलिए टी यहाँ पर इंडिकेट करता है टाइम सीरीज, सामयिक श्रेणी के मॉडल को, मॉडल ऑफ टाइम सीरीज। तो ये मॉडल हमको क्या बताता है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर हमारे पास चार चीज़ें इंक्लूडेड है, जो हमने चार चीज़ें पीछे पढ़ी हैं, चार इसके कंपोनेंट है वो इसके अंदर एक मॉडल के अंदर इंक्लूडेड है। तो उसमें हमारे पास में सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म का है, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर टीटी, क्या बोलेंगे उसको हम टीटी। उसका हमने क्या पढ़ा था, मौसमी यानी कि एसटी, फिर हमने सीटी पढ़ा था साइक्लिकल, और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा यहाँ पर रैंडम, सबके आगे टीटी लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमको ये जो है पूरा एक मॉडल तैयार होता है, इस मॉडल के अंदर से एमसीक्यू के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई भी एक नंबर को मिसिंग कर दिया जाएगा, सपोज करो यहाँ पर सीटी को मिसिंग कर दिया, तो हमको चार चीज़ का पता होगा कि चार चीज़ आएंगी, इनमें से अगर कोई एक भी मिसिंग है तो समझ जाओ कि हमारा बीच में वही आंसर आएगा। तो एमसीक्यू के अंदर वन मार्क में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब टीटी है क्या, जो मैंने पीछे बताया वही है उनका, टीटी जो हमारा लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, यानी कि दीर्घकालीन घटक, और उसके बाद में हमारे पास एसटी, एसटी हमने पीछे पढ़ा था, एसटी क्या है, सीजनल ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड है हमारा, झुकाव, मौसमी घटक या तो मौसमी झुकाव। उसके बाद में हमने सीटी पढ़ा, सीटी हमको क्या इंडिकेट करता है, साइक्लिकल यानी कि चक्रीय, सीटी यानी कि चक्रीय। और लास्ट में हमारे पास आता है अनियमित, उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम, तो रैंडम ट्रेंड। तो हमारे पास ये सारे अलग अलग ट्रेंड दिए हुए हैं, याद रखिए कि या तो अनियमित जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये चारों के चारों ट्रेंड आज हमारे पास में अवेलेबल है, इनके ऊपर से एक मॉडल बनता है, उस मॉडल की बात तो हमारी हो चुकी है। अब मॉडल के ऊपर से हम आगे की तरफ चलेंगे थोड़ा, तो वहाँ पर हम देखेंगे इसकी विधि कितनी है। तो सामयिक श्रेणी का झुकाव ज्ञात करने की विधियाँ, सामयिक श्रेणी का ट्रेंड अगर हमको जानना हो, झुकाव ज्ञात करने की विधि, तो सामयिक श्रेणी का झुकाव ज्ञात करने की विधि की हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे मेथड्स टू फाइंड द
ट्रेंड ऑफ ए टाइम सीरीज। तो हाउ मेनी मेथड्स आर देयर एंड विच आर दैट। तो यहाँ हमारे पास में मुख्य तीन मेथड है, मुख्य तीन पद्धति है। नंबर एक आर एक की पद्धति को हम क्या बोल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड हम बोलेंगे। तो ग्राफिकल मेथड। और सेकंड मेथड की हम बात करते हैं इसके बाद में, तो हमारे पास है लीस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग की रीत। लीस्ट स्क्वायर मेथड, जो कि हमारी एक लास्ट चैप्टर जो था उसमें भी हमने पढ़ी थी। मेथड वही है, काम अलग है। लीस्ट स्क्वायर मेथड नंबर थ्री। हमारे पास चलित औसत की पद्धति, चलित औसत की रीत। अब चलित औसत की रीत यानी कि हमारे पास मूविंग एवरेज मेथड, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूविंग एवरेज मेथड। ना मूविंग एवरेज मेथड क्या बताती है हमको, तो इसके अंदर दूसरी अलग अलग, इस चैप्टर के लिए सिर्फ तीन ही बताई हुई हैं जैसा कि ट्वेल्थ का कोर्स है, बाकी इसके अंदर हमारे पास अलग अलग और भी बहुत सारी मेथड्स हैं। हमारे कोर्स में जितनी, मैं सिर्फ उतनी ही यहाँ पर लिखा रहा हूँ। फर्स्ट है हमारे पास तीन वर्षीय चलित औसत की पद्धति, दूसरा हमारे पास चार वर्षीय चलित औसत, और पांच वर्षीय चलित औसत। थ्री ईयरली, फोर ईयरली और फाइव ईयरली, हमारे पास तीनों हैं। एक थ्री ईयरली है, फोर ईयरली है, और एक और हमारे पास फाइव ईयरली। तो इस तरह से हमारे पास में टोटल थ्री मेथड्स हैं, एक थ्री ईयरली मूविंग एवरेज मेथड, फोर ईयरली मूविंग एवरेज मेथड और फाइव ईयरली एवरेज मूविंग एवरेज मेथड। तो एग्जाम में इन तीनों में से एक कंपलसरी होगी ही होगी, और वो कितने मार्क का क्वेश्चन होगा, फाइव मार्क का। उसी के ऑप्शन में कंपलसरी होगी न्यूनतम वर्गीय मेथड। तो या तो ये तीन करो या एक करो, बात एक ही है। तीनों बहुत ज़्यादा ईजी हैं, उनको भी हम सम करेंगे तीनों के, और इसका भी हम एक दो सम लेंगे। तो दोनों ही मेथड बहुत ज़्यादा ईजी है, पाँच मार्क हमारे यहाँ से हम फ्री के कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी चैप्टर है, थियरी भी इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। ये हमारी थियरी पूरी हो चुकी है, और भी ज़्यादा थियरी के लिए PDF होगी, उसको रीड करना है कि छोटे छोटे क्वेश्चन वन मार्क में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके लिए हमको और भी ज़्यादा रीडिंग डिटेल में करनी पड़ेगी, तो उसके लिए अभी अटैच है PDF विद दिस वीडियो। ओके, सो दिस इज़ अवर थियरी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द फॉर्मूलाज ऑफ दिस मेथड ऑफ दिस चैप्टर। ओके।